ये जरा देखें आप, ओहो राइजिंग स्टार, ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, घूमता है तो ये अच्छा है। उसके बाद राइजिंग स्टार की ये ब्लैक और ये सिल्वर से है 2018, और ये विनर का टैग है। दैट्स दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये विश्वास है लोगों का जो जिन्होंने मुझे दिखाया, तो ये मेरी जनता का है। लव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप राइजिंग स्टार के सुपरस्टार बन गए हैं। ओहो थैंक यू सो स्वीट। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहता हूँ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए मुझ पर, और इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड हैं, सिर्फ राइजिंग स्टार नहीं, इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड हैं वो आपके चरणों में आएंगे, और ये मेरा विश्वास है। आप बस प्यार देते रहिए, कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा। बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ मेरा टाइम रहा, और राइजिंग स्टार में सफ़र बहुत बेहद खूबसूरत था। सारे दोस्त थे मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और रोन भाजी और विष्णु माई के लिए बहुत बुरा भी लगा कि अगर उनमें से कोई भी विनर बनता मुझे उतनी खुशी होती जितनी मुझे अपने पे हो रही, क्योंकि दोनों मेरे बहन भाई हैं। विष्णु माया वॉज लाइक माई यंगर सिस्टर, एंड रोहन भाई वॉज एज लाइक माई एल्डर ब्रदर। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, एंड गॉड ब्लेस देम कि उनको आगे काम मिले बहुत ज़्यादा, और मुझे भी मिले। सो आई एम होपिंग कि सब अच्छा हो, इसके बाद सब अच्छा होगा, गोल्डन होगा सब। जब मैंने परफॉर्म किया था पहले, सबसे पहले तो मुझे लगता था मैं सूफ़ी गाता हूँ, तो सोच की दीवार ऐसे उठी कि मैं और तरह के गाने भी गा सकता हूँ, तो ये राइजिंग स्टार की वजह से हुआ। मुझे गाने मिले, सूरमा में गाना गाया, गुलजार साहब ने लिरिक्स लिखे, शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक दिया है, तो और जीनियस फिल्म में भी गाया है, तो इस शो से 3-4 दरवाजे खुल गए मेरे लिए, जो कि आगे चल के बहुत कमाल होगा, बहुत कमाल। राइजिंग स्टार बहुत मेरा अहम वो रहा है मेरे लिए, क्योंकि राइजिंग स्टार की वजह से मुझे गाने मिले, विनर भी बना, तो मेरे लिए तो चांदी हो गई। तो ये सब मेरे व्यूअर्स का कमाल है, उनकी वजह से। ये सिर्फ आपकी है, ये किसी की नहीं है, सिर्फ आपके प्यार की है। सो दिस आई वांट टू डेडिकेट दिस टू यू गाइस। पर्सनल लाइफ में मैं बहुत नॉटी हूँ, आई एम वेरी नॉटी पर्सन। इफ़ यू आस्क टू माई फ्रेंड्स दे विल टेल यू बेटर, बट हाँ मैं अच्छा हूँ, मूडी हूँ, बहुत मूडी हूँ मैं, लेकिन बहुत संस्कारी टाइप भी हूँ, क्योंकि माँ बाप जब सामने होते हैं पापा मेरे, तो मैं एकदम चुपचाप हो जाता हूँ। तो ऐसा है, डिपेंड्स कि फ्रेंड्स के साथ हूँ कि किन के साथ हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वॉज द ओनली लेजेंड जिन्होंने कव्वाली को नीचे से उठा के वहाँ पहुँचा दिया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई को दरवाजे से उठा के लाल किले पर पहुँचा दिया, उसी तरह मैं उनको बहुत मानता हूँ, ये लेजेंड्स को मैं बहुत मानता हूँ, और आई होप कि मैं बन पाऊँ कभी उनके जैसा, 1% भी बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरिजीत सिंह माई गॉड व्हाट अ सिंगर ही इज, ही कैन सिंग एवरीथिंग, एवरी जॉनर ऑफ सिंगिंग इज़ अभी नई एज के लिए ही इज़ लेजेंड। वी हैव वेरी ग्रेट सिंगर। हाँ बहुत गाने अरिजीत जी के, अरिजीत भाई के, अरिजीत भैया ने ट्वीट भी किया मेरे लिए जी, सलमान खान इज़ माय फेवरेट, एंड मैं उनसे 2-3 बार मिल भी चुका हूँ, उन्होंने मेरे साथ गाया भी है स्टेज पे, तो सलमान खान जी के लिए गाना चाहता हूँ। आई विश कि ये कंप्लीट होगी मेरी विश, आई होप कि उनके लिए गाना गाऊँ मैं। ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, उसी तरह प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ। अप्रिशिएट करते रहिए, ताकि मैं आपका नाम और आगे ले जाऊं, अपने देश का नाम आगे ले जाऊं, हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जाऊं म्यूज़िकली।